हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सीएसआईआर नेट जून 2019 में जो पूछा गया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्वांटम केमिस्ट्री से। जनरली इस टॉपिक से, क्वांटम केमिस्ट्री के इस टॉपिक से हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जून 2019 दिसंबर में भी इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, जहाँ पे सिस्टम हमारा बेंजीन था। यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास 5 एंड 6 सिस्टम्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार नेट में देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द हाइएस्ट एनर्जी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर द एलाइलिक सिस्टम इज। तो हमें बताना है कि जो हाइएस्ट एनर्जी होगी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर द एलाइलिक सिस्टम के लिए वो क्या होगी, वो हमें बतानी है। ओके, हमें पता है कि जो हमारा एलाइलिक सिस्टम होता है वो कैसा होता है। हमारा एलाइलिक सिस्टम होता है CH2 डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, CH2। तो ये इसके 3 फॉर्म होते हैं। या तो वो क्या होगा, कैटायन के रूप में, या एनायन के रूप में, या फिर रेडिकल के रूप में। ओके, तो हमारा ये एलाइलिक सिस्टम इस फॉर्म में रहता है। अब इसमें क्या होते हैं कि इसकी जो हम अगर एनर्जी इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो इसमें वेव फंक्शन भी कितने होंगे, 3 वेव फंक्शन होंगे। इट मीन्स इसमें 3 एनर्जी लेवल्स होंगे। ओके, तो ये Ψ1 Ψ2 एंड Ψ3, 1 2 एंड 3। ओके, अब इसमें जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं वो अल्फा प्लस √2 बीटा अल्फा और होता है अल्फा माइनस √2 बीटा। ओके, अब अगर हमें पता है कि नंबर ऑफ नोड्स, अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N-1। तो N-1 होगा, तो यानी यहाँ पर हमारा कितना नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, हमारे 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि हाइएस्ट एनर्जी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जो भी हाइएस्ट एनर्जी यानी यहीं पर होगी हाइएस्ट एनर्जी, तो इसकी इसमें जो भी हमारा वेव फंक्शन होगा उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 3-1 यानी 2, नंबर ऑफ नोड्स 2 होंगे। यानी जो ऑप्शंस में जहां पे भी हमें नंबर ऑफ नोड्स 2 दिखेंगे वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया हुआ था 4 मार्क्स का। तो देख लेते हैं हम इसमें किस में है। यहां पर देखिए, यहां पर सारे पॉजिटिव है, तो यानी यहाँ पर कितने नंबर ऑफ नोड्स नहीं है, 0। यहाँ पर प्लस माइनस नंबर ऑफ नोड्स 1 है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 नोड्स एंड माइनस प्लस यहाँ पर फिर से क्या है, 1 नोड, यानी टोटल 2 नोड है। तो यानी यहीं पर यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही। ओके, अगर हम इसमें देखते हैं प्लस माइनस 1 नोड, माइनस माइनस, यहाँ पर कोई नोड नहीं, यहाँ पर भी 1 नोड है। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा हाईएस्ट एनर्जी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो हमारा वेव फंक्शन है वो Ψ3, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ नोड्स 2 होंगे। तो हमने ऑप्शंस में देखा जहाँ पर भी हमारे वेव फंक्शंस में जो नोड 2 दिखे वही आंसर करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस सिस्टम चेंज था बेंजीन, वो हमें दिसंबर 2019 में पूछा गया था, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और ये समझ में आया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।